wiggle wiggle like. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोटो म्यूटेंट्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास वन ऑफ द सेक्सीस्ट बाइक है, RC 200, जो कि इस सेगमेंट में बहुत अच्छी बाइक है। तो चलिए गाइस, इसका रिव्यू देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसकी लुक्स के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पिछली KTM RC 200 थी और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। जो इसकी DRLs हैं, हेडलैम्प्स हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। मेरे को पर्सनली, मैं बताऊँ कि मेरे को खुद को बहुत अच्छी लुक्स लगी इसकी। और जो भी इस बाइक को फर्स्ट टाइम देख लेता है गाइस, दिल पे लग जाती है ये बाइक, मेरे भी लगी है। तो अब बात करते हैं इसके फेयरिंग की। फेयरिंग काफ़ी सॉलिड है, प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी है। और गाइस, जो इसके डेकल्स हैं वो देख सकते हैं आपकी RC 200 KTM, बहुत ही मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं आई कैचिंग पर्सनैलिटी वाली बाइक है गाइस ये। और अगर इसके एनहेंस करें हम लुक्स को, तो आप देख सकते हैं इसका जो टैंक है वो डुअल टोन टैंक है। पिछली बारी में सिर्फ सिंगल कलर होता, या ब्लैक होता था या ऑरेंज होता, ठीक है। तो गाइस, आप बात करते हैं इसके रियर व्यू की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम बना रखा है इन्होंने इस बार। पिछली बारी थोड़ी डल टेल लाइट थी, इस बार बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दे रखी है। काफ़ी अट्रैक्टिव सा व्यू मिलता है इसका रियर से भी। तो गाइस, थम्स अप फॉर व्यूज। तो गाइस, जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल हैं, आप किसी भी तरीके से अपने मनचाहे एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जिसका सभी को इंतजार रहता है, तो अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस स्टैट्स की। इसमें मिलता है 25 PS का पावर 10,000 RPM पे, और गाइस 19.2 का टॉर्क है 8,000 RPM पे। अगर आप इसकी इनिशियल की बात करते हैं, तो गाइस पर्सनली मैं बताऊं, बहुत ही ज़्यादा उठती है 8 RPM तक, तो 8,000 RPM तक बहुत सही उठती है। और इसमें गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने DOHC इंजन दे दिया। DOHC का मतलब होता है डबल ओवरहेड कैम इंजन, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए इसका इनिशियल भी बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो फ्यूल टैंक है इन्होंने इंक्रीज करके 13.7 लीटर का कर दिया है, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बहुत सूटेबल है। तो गाइस, परफॉर्मेंस में एक और आपका सेक्शन होता है, जो कि है ब्रेकिंग। गाइस, डुअल चैनल ABS है, और आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, जो फ्रंट व्हील है इसकी ब्रेक एक लेफ्ट साइड है और रियर में राइट साइड है। तो गाइस, इससे आपको ब्रेकिंग में काफी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो गाइस, बात करते हैं इनके शॉकर्स की। USD शॉकर्स दिए हैं गाइस, अपसाइड डाउन शॉकर्स हैं, जो कि आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसकी टॉप स्पीड मैंने 141 kmph अभी तक अचीव करी है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये 7100 किलोमीटर चला लिया है, तो इसकी जो एवरेज है अभी तक, मैंने सिटी में इसकी एवरेज गाइस अराउंड 35 के अप्रॉक्स है, और अगर मैं इसको हाईवे पे ले जाता हूं तो अराउंड 40 एवरेज मेरे को दे देती है। बाकी हर किसी के चलाने पे एवरेज डिपेंड करती है गाइस, आपकी राइडिंग स्टाइल किस तरह है। तो गाइस, बात करते हैं इसके टायर्स की। स्टॉक टायर्स आपको मिलते हैं, फ्रंट वाला मिलेगा आपको 110/70 R17 में, आर होता है यहाँ रेडियल, और रियर टायर मिलेगा आपको 150/60/17 में, R17 में। गाइस, इसका स्पीडोमीटर ऐसा रहेगा कुछ, पूरा डिजिटल है, आपको इसमें गियर शिफ्टर इंडिकेटर मिलेगा। सबसे अच्छी बात है गाइस, कूलेंट टेम्परेचर भी ये बता देता है आपको मीटर। गाइस, ये तो इसका ओवरऑल रिव्यू था। तो बात करते हैं कि आपको बाइक क्यों लेनी चाहिए। तो इस सेगमेंट में गाइस, 200cc सेगमेंट है, सबसे क्लियर लुक्स वाली बाइक है, इनिशियल बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छी है। गाइस, आप कहीं भी क्राउड में चल जाते हैं तो गाइस मुड़ के बंदे देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आई कैचिंग बाइक है। तो मेरे हिसाब से गाइस, इस रेंज में सबसे अच्छी बाइक दिखने वाली यही है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि अगर आप बाइक ले भी लेते हैं तो आपको किन छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस, बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि गाइस थोड़ा सा मेरे को ओवर प्राइस लगा अपने हिसाब से, मैं आपको बताऊं। गाइस, अब बात करते हैं इसके हैंडल बार्स की। इनकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। इनको गाइस डैम्पर्स भी नहीं दिए गए हैं, अगर आपकी बाइक गिरती भी है तो गाइस शॉक एब्जॉर्ब नहीं होता, सीधा हैंडल पे आपका इंपैक्ट जाके लगता है। और इनकी पोजीशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अपराइट है, हल्की सी गाइस थोड़ा इन टर्न होती तो बहुत ही बढ़िया लगता मेरे हिसाब से। और गाइस, जो रिफाइनमेंट की बात है, हल्की सी रिफाइनमेंट और दे देते तो गाइस इट माइट बी अप टू द पॉइंट, पर अभी गाइस इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे खुद की नहीं है, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है टक टक की वो अभी भी आती है, तो रिफाइनमेंट मस्ट बी मोर। तो गाइस, ये था KTM RC 200 का रिव्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आप नई KTM RC 200 लेने जाते हैं। और गाइस, साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने R15 वर्जन 2 का भी रिव्यू दिया है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो।